दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 29 सितंबर 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, आद्रा नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे जो कि राहु का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे राशिफल की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना 7 अक्टूबर 2021 से आने वाली शारदीय नवरात्रि में, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए संकल्प करवाएं, अपना अनुष्ठान करवाएं, माता की पूजा करवाएं, तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ बिठा सकते हैं हमारे यहाँ पर। संपर्क करने के लिए आप नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज में लिखिएगा कि आपको दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए देखा जाए स्थितियाँ काफ़ी हद तक आज पक्ष में आने वाली हैं। कोई अच्छा दोस्त बन सकता है, कोई आज बहुत ज़्यादा भरोसा आपका जीत सकता है, आपको बहुत अच्छे व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं। आज हंसी मजाक लव लाइफ में बहुत होगा और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपके साथ में संबंध अच्छे करने की बात करने लगें। उसके साथ साथ ये भी स्थिति है कि मैरिड लाइफ में अगर कहीं से सिचुएशन ख़राब हो रही थी, मैरिड लाइफ में कोई परेशानी बन रही थी, तो वो परेशानी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ख़राब स्थितियाँ हैं। राहु के नक्षत्र में होने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़राब हो सकता है। हो सकता है कि आज कोई विश्वासघात हो जाए, कोई धोखा हो जाए, या आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलें, वो आपको अंधेरे में रखें, यानी कि अंधकार में रखें, कुछ ऐसी बातें बोलें जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएं, आपको उन पर शक होने लगे। शक आप अमूमन करते नहीं हैं उन पर, लेकिन आपको शक करने के लिए मजबूर कर दें, कुछ ऐसी बातें जो उन्हें छिपानी नहीं चाहिए वो आपसे छिपा लेंगे, आज उस वजह से भी शाम होते होते दिक्कत हो सकती है, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, कोई दोस्त बन सकता है, किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, आज बातचीत करने के लिए कोई नया व्यक्ति मिल सकता है आपको, और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। खुद से अगर चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको खुद बात ना करना पड़े, वो खुद से आए और आपसे बात करे, तो ऐसा भी हो सकता है। आज के दिन लव लाइफ में अलग ही खुशियाँ रहेंगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा और एक विश्वास बढ़ जाएगा। आपके पार्टनर को थोड़ा सा आपको स्पेस देना चाहिए, अगर वो किसी कार्य में लगे हुए हैं तो वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार से परेशान करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मैरिड लाइफ की स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक से आपके पार्टनर आपको बहुत सारे व्यवहार उनका खराब हो जाए, बहुत भद्दी भद्दी बातें बोलें, तो ऐसी स्थिति रहने वाली है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है। आज आप चाहेंगे, आपको अंदर से ऐसी फील होगा आपको कहीं ना कहीं कि कोई व्यक्ति हो आपके पास में भी। आप सिंगल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आज आपका अकेलापन खलेगा और कोई व्यक्ति आपको मिलेगा भी नहीं, ये भी परेशानी है। दूसरी, अगर किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ में संपर्क में हैं, कोई दोस्त है, उस व्यक्ति से भी आपकी उम्मीदें टूटती हुई नजर आएंगी, उस वजह से अपने अंदर कमियां निकालती हुई नजर आएंगे आप। और लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशानी बनेगी, यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है, आपके साथ झगड़े हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे आपके कैरेक्टर के बारे में बातें बोले जिससे परेशानी बने। मैरिड लाइफ में भी ऐसी स्थिति बनेगी, मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके कमियों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, वो आपकी कमियों पर एक तरह से उंगली उठाएंगे,
आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या कर लेते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें बस केवल शक है उन्हीं बातों पर वो बहुत सारी बातें बोल जाएंगे। छोटी सी बात होगी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे, तो परेशानी रहेगी। और ख़ास करके लव मैरिज को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं आज के दिन, भूल से भी मत कीजिएगा, नहीं तो या लव मैरिज होने वाली है आपकी तो आज उसको लेकर के बहुत उम्मीदें मत लगाइए, बहुत खुश मत हो जाइए, क्योंकि आज के दिन अगर उससे उसको लेकर के ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं तो उससे हो सकता है कि आपकी खुशियाँ राहु के संबंध से छिन जाए या कोई परेशानी आ जाए, कोई बड़ी बाधा आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सावधान रहिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ कोई थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम को दर्शाती हैं, कोई थर्ड पार्टी एंट्री ले सकती है, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करना चाहती है, ऐसा आपको एहसास होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों सिंगल हैं तो आज किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं, लेकिन लव लाइफ में आज आपके पार्टनर पर आप खर्चे करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आप खर्च करेंगे, आपकी उम्मीदें बढ़ेंगी, लेकिन उधर से उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। जितना प्यार आपको चाहिए उतना प्यार आपको लव लाइफ में नहीं मिलेगा, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहने वाले लोगों के लिए तो और बड़ी परेशानी है, क्योंकि मन उदास रहेगा, आप उनके लिए रोते रहेंगे लेकिन वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं पिघलेंगे, बिल्कुल भी आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। आज लव मैरिज को लेकर के बातचीत ना करें और मैरिड लाइफ में कहीं घूमने फिरने ना जाएं। अगर कहीं घूमने गए हुए हैं आज तो वहाँ पर हो सकता है कि आज आपका तगड़ा झगड़ा हो जाए, बहुत बुरी स्थिति बन जाए और वहाँ पर आपका पूरा प्लान चौपट हो जाए। बहुत बुरी स्थिति में आप एक दूसरे को बहुत खुश देखना चाहते थे और खुशी खोजने के लिए बाहर गए थे, लेकिन उदास होकर के बाहर घर पर आए। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी जो बिखरी हुई थी उन्हें जोड़ने का, उन्हें सुधारने का प्रयास आपके पार्टनर के द्वारा किया जाएगा, खास करके थर्ड पार्टी प्रॉब्लम या गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज डेट पर जा सकते हैं, लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहेगी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी और मैरिड लाइफ की स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। मैरिड लाइफ में खासकर कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, आपके पार्टनर आपको अचानक से सरप्राइज करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या कुछ बातें आपसे छिपा रहे हैं, आज आपको ऐसा कुछ पता लग सकता है, या बहुत सेल्फिश हैं, बहुत स्वार्थी हैं, वो ऐसा भी आपको पता लग सकता है, स्थिति बनेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो दशमस्त चंद्रदेव आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा परेशानी और उदासीनता आपके अंदर आएगी, बहुत परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, अपने अंदर की कमियों को ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने आप से आज परेशान रहेंगे और अपने कमियों को सुधारने का प्रयास करते हुए नज़र आएंगे। कोई दोस्त है तो उससे भी कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी एक ऐसी स्थिति में आप जाएंगे जिससे कि आपको अपमान महसूस करना पड़े, ऐसी स्थिति बन जाएगी। लव लाइफ में चीज़ें आप सुधार सकते हैं, लव लाइफ की स्थिति अच्छी करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको इग्नोर करते जाएंगे और आपको आपके साथ बिहेवियर उनका ख़राब हो जाएगा। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों सिंगल हैं, किसी के साथ डेट पर मत जाइएगा, डेट पर जाते हैं तो आज ऐसी कोई बात बोल देगा जो बहुत ज़्यादा चुभ जाएगी, कोई ऐसी बात बोल देगा जो जिसे अपना बनाने से पहले ही आपको उससे प्यार करने से पहले ही नफरत हो जाए, ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है और आपको ऐसा इंसान आगे कभी ना मिले, आप यही चाहेंगे, तो इसलिए आज डेट पर जाना कैंसिल कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि अच्छा व्यक्ति नहीं मिलने वाला, और अगर अच्छा व्यक्ति है भी तो भी उसका बिहेवियर आज आपके लिए ख़राब हो सकता है। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में यहाँ पर आपके पार्टनर की वाणी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपके पार्टनर के मुंह से कुछ भी निकल रहा है, तो ज़रूरी है आपको कि आप कम समय दीजिए, कम बात कीजिए, और अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तो फिर आपको कुछ ऐसी बातें आज सुनने को मिल सकती हैं जो आपको विश्वास अविश्वसनीय हों, आपके लिए विश्वास ही ना कर पाएं कि ये व्यक्ति मुझे ऐसे बोल रहा है, मतलब ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल मनहूस हों बातें, और ऐसी बातें सुन करके आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आपको लगे कि ये कहाँ पर हम आ गए, कहाँ पर फंस गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी बड़ी परेशानी है,
लेकिन मैरिड लाइफ में ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, गलतफहमी दूर होगी। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाए तो यहाँ पर कोई बड़ा झगड़ा हो सकता है, आज आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो आज का दिन अच्छा नहीं है। सिंगल हैं तो खास करके डेट पर नहीं जाना चाहिए। आज अगर डेट पर जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको डेट करने वाला है, या किसी ऐसे व्यक्ति को आप प्रपोज करने वाले हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जिसके लिए फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और वो फिजिकली बातें करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी। हमेशा फिजिकली बातें, आज आपके लव लाइफ में भी आपके पार्टनर फिजिकल बातें बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको घृणा हो जाएगी उनसे, और इससे झगड़े होंगे। जब जब फिजिकल रिलेशन की बातें आपके पार्टनर करेंगे तब तक तो परेशानी होती है, लेकिन आज के दिन में खास करके दोपहर के 2 बजे से लेकर के 3 बजे या 1 घंटे के बीच में जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस बीच में पार्टनर से बात ना करें। और मैरिड लाइफ में अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर कुछ ऐसा पता लग सकता है जो आपने छिपाया हुआ है, आपने कुछ ऐसी बात छिपाई हुई है जो आपको बिल्कुल नहीं छिपानी चाहिए। आपकी गलती है या नहीं ये आपके पार्टनर नहीं समझेंगे, लेकिन आपने जो बात छिपाई है वो बात पता लगते ही आपके लिए मैरिड लाइफ में बड़ा बवाल होने वाला है। आज के दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खुशियाँ आएंगी, यहाँ पर काफ़ी घूमने फिरने जा सकते हैं या कोई मुलाकात हो सकती है, ये स्थिति बनेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लव लाइफ बेहतर रहेगी, आज शादी को लेकर कोई प्रपोजल मिल सकता है। मैरिड लाइफ में भी स्थितियां बहुत अच्छी होंगी, लेकिन अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, हो सकता है कुछ शब्द उनके मजाकिया शब्द आपको झेलने पड़े। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, मुलाकात ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी व्यक्ति के साथ में डेट पर ना जाएं, किसी के साथ आगे ना बढ़ें। अगर किसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं आज तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति ऑलरेडी किसी ना किसी से चाहता है, किसी को पसंद करता है, और वो आपको कंफ्यूज कर देगा। लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आ जाएगी, और मैरिड लाइफ में पहले से ही कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, उस वजह से आज झगड़े होने वाले हैं, किसी से जलन महसूस होने वाली है, और आज जो थर्ड पार्टी मैरिड लाइफ में बनेगी, जो परेशानी का कारण बनेगी, वो आपका कोई रिश्तेदार, कोई अपना ही हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ का कोई अपना हो सकता है, कोई खास हो सकता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज फिजिकल रिलेशन के लेकर कोई झगड़ा हो सकता है, फिजिकल रिलेशन को लेकर के ज़्यादा बातचीत ना करें पार्टनर से, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों सिंगल हैं तो आज आप डेट पर जा सकते हैं, आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लव लाइफ बहुत बेहतर रहेगी, आज कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, आज कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, आज आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशी आएंगी। लव मैरिज को लेकर बातचीत करना आज बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी बातें बोलेंगे जिससे आपको अलग होने का मन करने लगेगा, ये स्थिति रहेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज ना करें, आज ज़्यादा इमोशनल ना हो किसी के लिए, पार्टनर से भी ज़्यादा इमोशनल बातें ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। और मैरिड लाइफ में आज आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर के पेरेंट्स, उनकी वजह से झगड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में परेशानी बन सकती है। बच्चों को लेकर के आज कुछ बहस हो सकती है, बच्चों के भविष्य को लेकर कोई बहस हो सकती है घर में। और आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपके लिए चीज़ें खराब होने वाली हैं, यहाँ पर भी स्थिति खराब है, यहाँ पर बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खास करके धोखा हो सकता है कोई, ये स्थिति बनेगी। तो दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।